के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि देर शाम ही एक व्यापारी को लूट का शिकार बनाते हुए उससे 40,000 रुपए लेकर फरार हो गए। तस्वीरों में नजर आ रहा ये व्यक्ति है रमेश सिसोदिया, जो मकान बनाने का काम करता है। जब यह बाइक से किसी व्यक्ति को गिट्टी लेने आया था, वो उसके पीछे एक लड़का गया मोटरसाइकिल लेके, उसने गाड़ी रुकवाई कि बोले कि मालिक को गिट्टी लग गई, उड़ के कांच फूट गया वगैरह, उसके सिर में लग गई, तो चलो उसका इलाज करा दो। इस कारण से उसको रिटर्न बिठा के लाए साथ में, और रास्ते में उतार के उसके पैसे थे मंग लिए उससे और लेके चले गया। कितने लोग थे उस समय? एक ही आदमी था। क्या कोई ठगी है? क्या लूट का क्या? 420 का मुकदमा। कितना 40,000 पे देने जा रहा था, उसी दौरान एक युवक द्वारा इसे रोका गया व पत्थर लगने की बात पर विवाद किया व कहा कि जिसे पत्थर लगा है उसे माफी मांगे। जब रमेश इस बात के लिए राजी हुआ तो बहाना बनाकर उसके जेब से 40,000 रुपए निकाला व लेकर भाग गया। फरियादी जब थाने पहुंचा तो फिर एक बार पुलिस सीमा विवाद में उलझती नजर आई। फिलहाल मामला द्वारकापुरी थाने में दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यहाँ से गिट्टी भरवा के हम जा रहे थे, हाँ, ट्रैक्टर के पीछे पीछे, हाँ, मोटरसाइकिल याली थी मेरी, हाँ हाँ बोलते रहो। मेरे को वो लेके गया यहाँ से पेट्रोल पंप तक, मतलब वो नहीं, मैं ट्रैक्टर के पीछे पीछे गया। एक छोरा आया, लाल गाड़ी में था, लाल शर्ट था, तो उन्होंने मेरे को रोका वहाँ पे पेट्रोल पंप के आगे कोने में, बोले आपकी गाड़ी से बोले गिट्टी उड़ गई, ठाकुर साहब का कान छूट गया, उनका खून निकला, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। बोले माफ़ी भी नहीं मांगी, आप रुके भी नहीं, बोले चलो उनसे माफ़ी मांगो, रुको नहीं तो आपको मारेंगे, ऐसा करेंगे। वो मेरे को गाड़ी में बोले आपकी यहीं गाड़ी कर दो, गाड़ी वहाँ रिक्शा वाले के पास खड़ी करके, और रिक्शा वाले को बोल के भी गाड़ी का ध्यान रखना। तो और वो मेरे को यहाँ तक बिठा के लाया चर्च के कोने में उधर वहाँ पे, और मेरे को वहाँ उतारा, तो बोले आपके पास पैसे ऐसे तो नहीं है, तो मैं बोले मेरे को दे दो कि तुम वहाँ छीन लेंगे तुम्हें, बोले माफी मांग लेना। कितने पैसे थे आपके पास? 40,700। कितने लोग थे छीटने? एक अकेले ही था, अकेला छोड़ा, अकेले ही था, लाल सर सर। क्या पहले तुम्हें बोले लग गई किसी को? हाँ, कहाँ छूट गया उसका, उसको खून निकल आया। भाई के काम काज के पैसे थे 40,000? वो टाइल्स वाले को देना था मेरा। ठीक है, तुम्हारा नाम बता दो? रमेश सिसोदिया। काय का काम काज है? मकान बनाता। ठीक, हाँ। कहाँ पे रहते? कहाँ पे? कुंदन नगर, हरिधाम के साथ। खाली करके जा रहे थे, घर पे नहीं जा रहा था, खाली भी नहीं करा है, ट्रैक्टर वाला वहीं खड़ा है अभी तक। ठीक है, जाओ देखना गाड़ी। चर्च के पास निवासी।